नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी बबलू के साथ मैं मौजूद हूं एक ऐसी जगह पर जहां पर आम तौर से मैं अभी आपको अपने टीवी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहूंगा। आम तौर पर यहां पर इस समय पैर रखने की जगह नहीं होती, वजह सीधी साधी और साफ है। यह शहर की इकलौती सब्जी मंडी है जहां पर पूरे रीवा के लोग, लगभग रीवा की आबादी अगर सरकारी हिसाब से बात की जाए तो चार से पाँच लाख लोगों का परिवार यहां पर सब्जी खरीदने आता है। आज गलियां सुनसान हैं, लॉकडाउन का अंतिम दिन, लेकिन शासन ने एक निर्णय लिया है। ये अभी जो आपको मैंने अभी टीवी स्क्रीन पर दिखाया, ये स्थिति अभी बरकरार रहेगी। इसका सीधा सा मतलब है लॉकडाउन का आज अंतिम दिन, कल से ये मंडी भी ऐसी ही रहेगी। वजह क्यों आप लोग को दुकान नहीं खोलने के लिए परमिशन है, बताइए। हम लोगों को दुकानें यहाँ बंद करा दी गई है। हम लोगों को इतना परेशान है कि क्या बताएं। बड़े थोक वाले मंडी वाले तो अड़सिया चले गए हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जो छोटे मोटे किसान यहाँ आते हैं, थोक में बेचते हैं, वो छोट मोट व्यापारी यहाँ आए और हम लोग अपना जीवन यापन यहाँ करें, फुटकर दुकान करते हैं। सवाल जीवन यापन का है। सरकार ये इंतजाम करे कि हमारा जीवन सामान्य तौर से कम हमारे जीवन के लिए दाल चावल रोटी आटे का इंतजाम तो हो ही जाए। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर, यहाँ जो दुकान लगती थी, हम ये चाहते हैं कि जो भी है थोड़ा थोड़ा दूरी बना के फिर सोचते थे जो दुकानें, जैसे जहाँ एक दुकान जो चार दुकान लगती थी, वो दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर हम तो उसको थोड़ा कम से कम मात्रा में चार से जल्दी दो थोड़ा दूर दूरी बना के यहाँ पास थोड़ा थोड़ा व्यापार किया जाए। क्या नाम है आपका? सुशील जायसवाल। सुशील जायसवाल जी, साफ तौर से चाहते हैं हम सरकार के नियम कानून पालन करने के लिए तैयार हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी हम मेंटेन करेंगे, बशर्ते हमें दुकान खोलने की परमिशन मिले। एक महीने के लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा असर हम पर ही पड़ा, बड़े व्यापारियों के पास तो किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं थी। सर, मेरी समस्या ये है कि हम लोग यहाँ फुटकर दुकानदार के साथ साथ छोटे मिनी व्यापारी भी हैं। क्या है कि हम लोग छोटे छोटे किसानों की जो साइकिल से और मोटरसाइकिल से ऑटो टेम्पो से सामान लाते हैं, तो उनका हम लोग यहाँ बिक्री करते हैं, छोटे छोटे दुकानदारों को देते हैं। और यहाँ जो साइकिल से सिलपरी है, मड़वा है, बांसा है, जो साइकिल मोटरसाइकिल से सौदा ले आते हैं, तो गलकरहिया गल्ला मंडी जाने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि चार बजे से मंडी खुलती है। आपका सीधा सा अर्थ है कि आप भी चाहते हैं छोटे व्यापारी यहाँ पर। क्या नाम है आपका? श्री राम गोपाल कुशवाहा। राम गोपाल जी भी यही चाहते हैं कि छोटे व्यापारी यहाँ पर आए। आप लोग बताइए क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं भैया खुल जाए यहाँ भी मंडी, दुकान मंडी खुल जाए छोटी सी। बताइए जी, हम भी यही चाहते हैं कि यहीं भी दुकान खुल जाए। जी सर, यही मंडी चाहते हैं। ये बताइए, पिछले एक महीने से यहाँ दुकान बंद है, आपके घर का खर्चा कैसे चला? क्या सरकार ने किसी तरीके से मदद दी आपको? अब क्या है, जो गेहूँ चावल तो देते हैं 5 किलो गेहूँ, तो उसमें से कितना होता है बताइए? चार परिवार को पालना है, कितना चले हैं? अब हम लोग औरत हैं, वहाँ कहाँ जा पाएंगे बताइए? अकेले वहाँ से यहाँ कैसे हम राउंड लगा पाएंगे? क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते कि जो अगर निवेदन हो तो गरीब लोगों को यही थोड़ा थोड़ा जगह मिल जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? केसकली। केसकली जी की समस्या अगर आपने सुनी होगी तो ये समस्या इनकी जरूर थी, लेकिन ये समस्या आम परिवार की, यहाँ जितने लोग भी आपको टीवी स्क्रीन पर जितने लोग भी इस समय दिखाई दे रहे हैं, उनकी सबकी केवल और केवल यही समस्या है। अगर मंडी खोल दी गई तो हमारे घर का चूल्हा जलेगा, अगर चूल्हा जलेगा तो हमारे बच्चों को खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, दो वक्त की रोटी की जद्दोजहद सबसे बड़ी, आज की तारीख की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी जरूरत। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर सब्जी मंडी बंद है, उसमें जैसा कि आप पूरे सब्जी मंडी के लोगों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो क्या चाहते हैं आप? मैं श्रीमान कलेक्टर साहब से ये चाहूँगा कि जो बड़े व्यापारी हैं वो करहिया मंडी में शिफ्ट कर दिए जाए, जो बड़े वाहन के, और जो बेचारे हम लोग जैसे हैं छोटे गरीब व्यापारी, किसानों से कमाल आता है हरी सब्जी वगैरह, मिनी थोक, तो मिनी थोक और फुटकर यहाँ व्यवस्था कर दी जाए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग पालन करेंगे ताकि गरीबों का, हम लोगों का पेट चले। आज 1.5 महीना हो गया, एक पैसा का कुछ किसी का कोई व्यापार नहीं हुआ,
और उसके बाद जो है तो हर आदमी अपने घर से पूंजी खा रहा, और अब यह है कि एकदम भूखे मर रहे, मरने के कगार में आ गए। और कुछ और कोई यहाँ पर इतने सारे लोगों और किसी की कोई समस्या? आम तौर पर सब लोगों की जिनसे मेरी बात हुई सब केवल और एक कहना, मैं सरकार के नियम कानून मानने के लिए तैयार है। अगर यहाँ छोटे व्यापारियों को आने की अनुमति होती है हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे। तमाम वो जो भी सरकार नियम बनाएगी, गाइडलाइन बनाएगी, हम उसका पालन करेंगे। साथ ही हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ पर सब्जी मंडी खोलने की परमिशन दी जाए उन व्यापारियों के साथ, जो व्यापारी छोटे से एरिए में सब्जी लगाते हैं, बामुश्किल 1500 की सब्जी रोज अपने खेतों में उगाते हैं, यहाँ आकर बेचते हैं, उनको अगर यहाँ आने की छूट मिलेगी तो छोटे व्यापारी, छोटे सब्जी के दुकानदार, इसका सीधा सा अर्थ है वह परिवार जो बामुश्किल दो वक्त की रोटी जुटा पाता था उसके खाने का इंतजाम हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान वैसे भी कुछ बचा नहीं, अब देखना है अगर प्रशासन इस बारे में क्या निर्णय लेता है। हम प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो निर्णय होगा आप तक पहुंचाने की तो कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान जावेद अंसारी को बबलू के साथ दीजिए इजाजत। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।